करीब 3 साल आईएस के कब्जे में रहा इराक अब इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से चुन चुन कर बदला ले रहा है। खबर के अनुसार 3 साल में जिस तरह से आतंकियों ने इराक की जनता पर जुल्म ढाए, अब उसी तरह से इराक की कोर्ट भी आतंकियों और उनकी बीवियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ताजा मामले में इराक की एक कोर्ट ने महज 10 मिनट की सुनवाई में 40 इस्लामिक स्टेट से जुड़े खूंखार आतंकियों की बीवियों को फांसी की सजा सुना दी है। इन पर अपने आतंकी पतियों का साथ देने का आरोप है। इनमें से कई सब कुछ जानते हुए भी आतंकियों के साथ निकाह करके जिहाद में शामिल होने सीरिया पहुंची थी। जबकि जो महिलाएं आतंकी पतियों के दबाव में इराक आई थी, उन्हें कुछ रियायत देते हुए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि आईएस आतंकियों का साथ देने के आरोप में करीब 1000 महिलाएं और लड़कियां इराक की जेलों में बंद हैं। इनमें से 40 को मौत की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वालों में ज्यादातर महिलाओं के आतंकी पति एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। वो अपने बच्चों की देखभाल करने वाली परिवार की अकेली सदस्य है। सजा से बचने के लिए आतंकियों की बीवियों ने छोटे बच्चों की दुहाई दी, लेकिन कोर्ट ने रहम की भीख देने से मना कर दिया। सिर्फ 10 मिनट की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 40 आतंकियों की बीवियों को सूली पर टांगने का फरमान सुना दिया।